हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन और आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया किया जाए। और यार, काफ़ी देर से मेरी वाइफ जो है वो मुझे फोर्स कर रही थी कि व्लॉगिंग शुरू करो, मेरे साथ आओ। और काफ़ी लोगों की भी डिमांड थी कि हसन भाई जो हैं वो आपके साथ क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। और मेरी वाइफ को भी बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। और वेल, उसको बुलाते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, देखते हैं कि उसका रिएक्ट क्या होगा। और ये हमारा मोमिन है और मेरे साथ खेल रहा है। चलो मैं बुलाता हूँ उसको। जी तो चलें अब हिना को बुलाते हैं और उसको सरप्राइज़ देते हैं। हिना, हिना कैसी हो? क्या ठीक हूँ। ये क्या हो कर रहा रही है? थी कुछ नहीं, किचन में थी। ये क्या हो रहा है? किचन में? क्या कर रही थी? काम, मोमेंट के काम। अच्छा, कुछ भी नहीं क्या यार। वीडियो बना रहे हो? ये व्लॉग बना रहे हो क्या? इस तरह से किया हुआ है? यार मैंने सोचा व्लॉग बनाता हूँ अपनी आवाज में, क्या तो बात है, मैंने ट्राई किया। मैंने कहा क्या देखता हूँ बात कैसा है। बनता है। अच्छा जी, कब से चलो। तो कह रही थी वैसे मैं यार, कह रही थी थक हसन गया को था। ना रात में, मैं कह रही थी, मैंने लाइव किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैं हसन कह रही, सब कह रहे हैं कि ना हसन को भी बोलें कि आपके साथ व्लॉग बनाए। तो मैंने सोचा मैं हसन को कहूँगी। मैंने कहा अभी हसन को, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था हसन को साथ बनाएंगे। हसन ने ओके तो किया था, लेकिन बेसिकली मैंने आपके कहने पे नहीं बनाया फिर मुझे ना आपने जो रात को बातें की ना कि यार सब कह रही हैं तो आप भी आओ, आप भी आओ, तो मैंने कहा यार चलो लोगों की इतनी डिमांड है तो मैं आ भी जाता हूँ और मैं आके देखता हूँ कि वाकई लोग प्यार देते हैं कि नहीं करते। हाँ, अब तो हम मिलके, अच्छा हाँ, मिलके अब करेंगे। अब हम रेगुलर डेली व्लॉगिंग करेंगे और उसके बाद ना नहीं देखेंगे यार, आप लोगों डेली क्या। मैं व्लॉग नहीं कर सकता, नहीं, आपको पता हम है मैं दोनों वैसे भी बिजी मिलके, होता मैं ही हूँ। करती थी, लेकिन अब हसन भी होंगे व्लॉग में। अच्छा, हाँ आप ये हो लोग, सकता है कि मैं बीच में व्लॉग में आ अच्छा सकता आप हूँ। लोग सोच रहे हैं ना कि मतलब हम दोनों साथ कैसे, मैं तो कराची थी और जो भी हमारे मसले हुए वो भी मैं, हम शेयर करेंगे आपसे, आगे वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन ये कि मोमेंट की खातिर करना पड़ा, और बाकी खैर हसन ने भी काफ़ी जो है, चलो ये बातें छोड़ो, ये सारी अभी बातें आपसे बाद में होंगी, ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब नई बातें करेंगे। लेकिन ये बातें भी लेकिन हम शेयर अब करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं। थोड़ा बहुत हम शेयर करेंगे आपको आगे, चलो ठीक थोड़ा है बहुत ये शेयर करेंगे कि हाँ हम लोग दोबारा साथ जी। हैं और तो दूसरी बात ये कि चलो अब सैटरडे नाइट है, मैं ज़रा फ्रेंड्स में जा रहा हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको वहाँ पर जाकर बताता हूँ कि मैं आज क्या करता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो मैंने कहा चलो आज से थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलो देखते हैं। ओके अच्छा जी, तो ऐसा है कि आज सैटरडे नाइट है, तो मैंने सोचा कि यार चलो दोस्तों में जाया जाए। और ऐसे ही बस फिर मेरा एक बहुत पुराना बचपन का दोस्त, मैं उससे मिलवाऊंगा भी आप लोगों को, तो मैं उसके साथ, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार किधर है? तो कहता कि अभी मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ऐसा कर कि मुझे भी पिक कर ले, वो भी मेरी तरफ आया। तो अब मैं उसके साथ बैठ के, तो अब हम जा रहे हैं। बेसिकली आज सैटरडे नाइट है और दूसरा एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि 11 बजे सारा कुछ बंद हो जाएगा और अब भूख से बहुत बुरा हाल है और सोच रहे हैं कि क्या खाएं। समझ नहीं आ रही यार, 11 बजे अगर सब कुछ बंद हो गया है तो टाइम हो गए हैं 11:27, तो मतलब कि हम क्या खाएंगे? लेकिन सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी दो दोस्तों को और लेना है रास्ते से, एक साध है और एक मानी है, चलो देखते हैं वेल कहाँ तक जाते हैं या क्या होता है हमारे साथ। तो दूसरा जो है वो मोहित जो है वो ये है, ये ड्राइव कर रहा है और गाड़ी तेज़ी भगा रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी जितना मर्जी तेज़ भगा ले फ़ायदा कोई नहीं होना क्योंकि 11:250 में हो गए हैं और अभी हम लोगों ने उन लोगों को रिसीव नहीं करना, देखते हैं क्या बनता है। ओके फाइनली हम पहुँच गए, काफ़ी जगह देखी हम लोगों ने लेकिन यार कोई भी जगह पसंद नहीं आई और काफ़ी हद तक तो काफ़ी जगह बंद थी। तो फाइनली हम मोलू फिश कॉर्नर आए हैं, लाहौर की बड़ी फेमस जगह है सांदे के करीब, और मैं इतने शौक से वैसे यार फिश खाता नहीं हूँ, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ये सामने मोहित खड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क की है, गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं थी,
और अब हम आपको दिखाते हैं कि मौलू साहब जो हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं। ये है मौलू फिश कॉर्नर। और ऐसे मैं वापस घर आ गया हूँ और समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ क्या कहूँ। बाकी क्या कहते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आया हो, काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई होंगी, लेकिन चलो ट्राई है, आगे इंशाल्लाह ताला अच्छी कोशिश करूँगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।